नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बिट्रेक्स एक्सचेंज के बारे में, मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आई है तो उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो आशा है कि आप इस YouTube के जो वीडियो उसको कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी करंट इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बताना चाहता हूँ, कॉइन टेलीग्राफ की जो करंट न्यूज़ है वो आज की है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आप में से जो भी फ्रेंड्स हैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं बिट्रेक्स एक्सचेंज पर, bittrex.com के ऊपर, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग चल रही है इसके ऊपर, एक से डेढ़ साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं खुद भी इस पर ट्रेडिंग करता हूँ। तो अभी न्यूज़ आई है कि बिटकॉइन अल्टकॉइन एक्सचेंज है जो बिट्रेक्स की है, बिट्रेक्स पे जो ट्रेडिंग होती है वो जितने भी अल्टकॉइन होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बिट्रेक्स एक्सचेंज के ऊपर तो आपको अपना अकाउंट जो है वो चेक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपना जो अकाउंट है bittrex.com पर लॉगिन करके देखिए आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी जो यूज़र्स हैं उनके अकाउंट लॉगिन हो नहीं रहे हैं। तो अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद एक मैसेज आएगा आपके पास, आपकी ईमेल के अंदर एक लिंक आएगा। तो ईमेल के अंदर अगर लिंक आ जाता है तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप अपना अकाउंट वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो कॉइन टेलीग्राफ की जो करंट न्यूज़ है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि बिट्रेक्स का जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया है, 3 से 4 दिन से जो प्रॉब्लम आ रही है, पिछले 1 वीक से आ रही है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो करंट न्यूज़ है इसमें, ठीक है, मोर देन 3 डेज विदाउट वार्निंग अनाउंसमेंट। अगर कोई भी एक्सचेंज है जैसे नोवा एक्सचेंज, बिट्रेक्स हुआ, पोलोनिक्स हुआ, क्रिप्टोपिया, कॉइन बेस, जी डैश और योबिट, इस तरह काफ़ी एक्सचेंज हैं जो अगर एक्सचेंज के अंदर कुछ अपडेशन चल रहा होता है तो वो एक्सचेंज की अपडेशन की जो न्यूज़ है वो उसके जो मेन पेज होता है एक्सचेंज का उसके ऊपर काफ़ी बार आ जाती है कि अभी इसमें अपडेशन चल रहा है तो लॉगिन अभी पॉसिबल नहीं हो गया, ट्रेडिंग क्लोज है। तो इस तरह की न्यूज़ अभी तक कोई भी बिट्रेक्स के ऊपर आई नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या है कि जैसे कंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, ईरान में मोर देन 3000 से ज़्यादा अकाउंट हैं जो कि डीएक्टिवेटेड कर दिए हैं बिट्रेक्स एक्सचेंज ने बिना कोई रीजन के, ठीक है, ईरान के 3000 अकाउंट ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड हो चुके हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जैसे इसके साथ साथ काफ़ी कंट्री अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि टेलीग्राम्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें डिस्कशन चलता रहता है, जैसे जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं उनकी ये लिस्ट है बता रखा है, सीरिया, इंडिया, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, ठीक है, इन कंट्रीज़ में बिट्रेक्स के जो यूज़र्स हैं उनके काफ़ी जो अकाउंट है वो या तो सीज कर दिए गए हैं या ब्लॉक कर दिए गए हैं या उनमें लॉगिन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और जो KYC की जो प्रॉब्लम है, जितने भी वेरीफाइड अकाउंट है ऑलरेडी KYC कंप्लीटेड कर रखी है तो उनके अकाउंट में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कृपया करके अगर आपका अकाउंट है बिट्रेक्स पे तो आप उसको लॉगिन कीजिए, चेक कीजिए कहीं आपका अकाउंट फ्रीज ना कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक टिकट जनरेट कर सकते हैं support@sport.bittrex.com पर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, sport.bittrex.com पे आप अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी जो कंप्लेंट है वो उनको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये और ये जो टाइम दे रखा है इन्होंने 12 से 9 का जो टाइम है वो 8 अक्टूबर के आसपास से प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बीच आप अपने जो टिकट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी एक्सचेंज है, जैसे इसमें दिखा रखा है कि बाइनेंस, कराकन, बिट्स मैप, कॉइन बेस, जी डेक्स, कोस, क्रिप्टो पे, योबिट, ऑल एक्सपीरियंस पैटर्न दैट वर बी इंडिकेटेड ऑफ मार्केट रिएक्शन स्टेमिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑफ फ्लैश सेलिंग डाउन। क्योंकि ये जितने भी एक्सचेंज है
इनमें अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, या अगर आती है तो वो न्यूज़ मार्केट के अंदर आ जाती है, वेबसाइट का जो होम पेज है उसके ऊपर। तो इस तरह की कोई न्यूज़ बिट्रेक्स ने अभी दी नहीं है। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इन्होंने भी बता रखा है कि जब 2014 में एक एक्सचेंज थी माउंट गोक्स कोलैप्स हुए थे, तो उसमें जो यूजर्स थे उनके 8,50,000 बिटकॉइन उस एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट थे, और जिस बिटकॉइन से वो ट्रेडिंग करते थे यूजर्स, तो 8,50,000 बिटकॉइन वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गए पूरी तरह से। जो एक्सचेंज थी वो पूरी की पूरी बंद हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लाख बिटकॉइन पाए गए सिर्फ, ठीक है। तो टोटल लॉस 6.5 लाख बिटकॉइन का ऑलरेडी हो चुका है उनको, और उसकी आज की जो कीमत हम बताएं तो 3.5 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, और जो भी आपका प्रॉफिट बनता है पर डे के हिसाब से करते हैं, जिस तरह से भी जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, तो तुरंत आप वहां से उसको अपना जो जेपे का वॉलेट है, यूनोकॉइन या ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है बिटकॉइन का, आपका जो सेफ यूज़ करते हैं वहां पे आप तुरंत उसको डिपॉजिट कीजिए। अपना ज़्यादा फंड आपको किसी भी एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग करते हैं वहां पे BTC ज़्यादा नहीं रखना है आपको, क्योंकि एक्सचेंज अगर कोलेप्स हो जाती है तो आपका जो भी BTC वहाँ पर डिपॉजिट है वो चला जाएगा। तो आप वहाँ BTC जो भी डिपॉजिट है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट तुरंत वहां से आप अपने जो वॉलेट है वहां से निकाल लीजिए, क्योंकि अगर एक्सचेंज बंद हो गई तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। और जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट के रूप में आप कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेफ गाइडलाइन के तौर पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारा का सारा BTC आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट हो वो डिपॉजिट कीजिए, वहाँ से प्रॉफिट लीजिए, प्रॉफिट से आप बाहर आ जाइए तुरंत, और जो आपका कैपिटल है वो निकाल लीजिए पहले, और प्रॉफिट के साथ आप खेलिए, ठीक है फ्रेंड। जो भी आपका प्रॉफिट है उसके साथ आप ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने लगा रखा है उतना BTC आप तुरंत आउट कीजिए किसी भी एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते वक्त। इन बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और जो अभी बिटकॉइन के बारे में, जो बिट्रेक्स के बारे में अगर और कोई करंट न्यूज़ आती है तो वो मैं आपको बताऊंगा, और जल्दी से जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं आपको जो बिट्रेक्स से रिलेटेड जो जानकारी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको करंट इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।